मीटर ब्रिज से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन, यह क्वेश्चन सीबीएसई में भी आया है, एनसीईआरटी के बुक में भी इसी तरीके का क्वेश्चन है और टिपिकल क्वेश्चन है। इसे ध्यान से देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए। मीटर ब्रिज में आर एंड एस बताया था, दो गैप होते हैं, एक में नॉन रेजिस्टेंस आर, एक में अननोन रेजिस्टेंस एस लगा दिया गया। और यहाँ गैल्वेनोमीटर है ए बी सी डी, डी और बी के बीच में गैल्वेनोमीटर है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता, मैंने डिटेल में बताया। अब इन्होंने कहा कि जब ये आर है ये एस है तो जो बैलेंस पॉइंट L1 पर आता है, बैलेंस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक L1, तो इधर होगा 100 माइनस L1, तो तुम्हारा इक्वेशन बनेगा आर अपान एस इजक्ल टू L1 अपान 100 माइनस L1, यानी आर की वैल्यू हो जाएगी आर इक्वल टू एस L1 अपान 100 माइनस L1। ये इक्वेशन पर ध्यान दीजिए, ये आप आसानी से ला सकते हैं, बहुत आसानी से आ सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, एक्स ओम इज कनेक्टेड पैरेलल टू एस, इस एस के पैरेलल में एक एक्स ओम रेजिस्टेंस ऐड किया जाता है। भाई ये ध्यान रखना सीरीज में कि पैरेलल में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में सीरीज में भी दिया था, पैरेलल में ऐड किया गया तो बैलेंस पॉइंट L2 पे आने लगा। तो उस कंडीशन में आर अपान एस और एक्स का पैरेलल जो होगा एस एक्स अपान एस प्लस एक्स होता था, एस प्लस एक्स ऊपर पहुंच जाएगा इजकल टू L2 अपान 100 माइनस L2। व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है इसलिए P अपान Q इक्वल टू आर अपान एस फार्मूला लग जाएगा। और इस R की जगह हम लोग लिख दें एस L1 अपान 100 माइनस L1, ब्रेक एस L1 अपान 100 माइनस L1, आर एस प्लस एक्स है तो एस प्लस एक्स, और नीचे एस एक्स है तो एस एक्स, एस एस कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर आपका है L2 अपान 100 माइनस L2, L2 अपान 100 माइनस L2, यानी इसके बाद ये इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद ध्यान से समझ समझ के अपने आप करोगे, हम तो कहते जाएंगे वहाँ कहाँ तुम इतना डिटेल में समझ पाओगे, अपने आप करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। एस कैंसिल होने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो उस समय जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये L1 और S हो जाएगा मल्टीप्लाई, और L1 और X मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ लिख दिया, और ये 100 माइनस L2 यहाँ बगल में आ गया, और फिर इसके बाद यहाँ L2 है और यहाँ क्या है 100 माइनस L1, और S तो कैंसिल हो गया था तो X रहेगा। अब इसमें आप क्या करें कि x को एक साइड में ले आएँ, ये देखो हमने x को एक साइड में ले लिया और बाकी फैक्टर्स दूसरे साइड में ले जाओ, x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू आप देखिए, x की वैल्यू आपकी आ जाती है, x की वैल्यू s L1 ब्रैकेट में 100 माइनस L2 अपॉन 100 L2 माइनस L1। ये CBSE में यही आंसर आना चाहिए था, ये CBSE के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था इस फॉर्म में, अगर आंसर निकालते यही आता तो यहाँ से आप अपना जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये क्योंकि ये फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा इस तरीके से जैसे मैंने ड्राइव किया है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था,
सीबीएसई के, क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन एनसीईआरटी में आ गया। अभी आपने आप लगाइएगा, इसमें L1 33.7 दिया है और L2 दिया 51.9, यानी RS जब बैलेंस हुए ये, और ये जब 12 ओम S के पैरेलल में जोड़ दिया गया था तब ये लेंथ आई। तो फाइंड RNS, RS की वैल्यू निकालो, तो S की वैल्यू 13.3 आंसर, 13.3 आंसर आ रहा है, और R की वैल्यू 6.9 ओम आ रहा है। ये देखिए आंसर निकाल के देखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ढंग से करिए, टाइम देकर करिए, समझ के करिए, तब तो नॉलेज बढ़ेगी CBSE की, CBSE की नॉलेज बढ़ेगी, यही IIT वगैरह में भी आ जाते हैं, नीट में भी आ सकते हैं किसी कंपटीशन में। बढ़िया क्वेश्चन है, मीटर बिज से रिलेटेड है।